टू जेड न्यूज लाइव खबर के तहत। मुजफ्फरपुर जिले के हाथा पंचायत क्षेत्र में हम हैं और हाथा टीला इसको बोलते हैं, जहां पर कचरा प्रबंधन अभियान के तहत जो है सो शेड बनाया गया था। पंचायती राज योजना के तहत कचरा के अलग अलग प्रबंधन करने के लिए यहां पर शेड बनाया गया था। शेड से ए टू जेड न्यूज लाइव की टीम जब जा रही थी तो हमें ऐसा लगा कि पहले यह जो है सो पशुशाला बनाया गया, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि नहीं, ये कचरा प्रबंधन अभियान के तहत जो है सो एक शेड का निर्माण किया गया है, ताकि इसमें पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से जो संकलित कचरा है उसका अलग अलग प्रबंधन किया जा सके। हालांकि चूंकि बाहर में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण से इसकी स्पष्टता समझ में नहीं आती है। यहाँ के ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इसके बारे में कि कब से बना और क्या स्थिति है। अंदर तो पूरा खाली है, अभी नहीं रखते, बाहर ही रखते हैं, तो बाहर फेंका हुआ है। हाँ। मतलब ये जो शेड बना, कचरा को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना था, वो उसका काम मकसद पूरा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सरकार का पैसा अनावश्यक खर्च हो गया। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शंभू कुमार। ये कब से देख रहे हैं स्थिति? ये बहुत दिन से है। आप लोकल हैं, ग्रामीण हैं? हाँ। तो ये कौन पंचायत में आता है ये सब? ये हट्ठा पंचायत में। हट्ठा पंचायत में। आप लोग कभी विरोध नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो बनाए हैं शेड थे इसका यूज होना चाहिए? नहीं। आपके घर घर कचरा जो है सो लिया जा रहा है आपके वार्ड में? नहीं लेना। नहीं। कितना दिन से बंद है? बहुत दिन से बंद है। बहुत दिन से, तो भी हो गया एक आध साल। एक आध साल से। और शुरू जब हुआ था उस समय कितना दिन तक चला था? लाता था और बाहर ही रखता था, रूम में उसमें नहीं रखता। मैंने जब कचरा प्रबंधन अभियान की शुरुआत हुई थी, घर घर ठेला से जो कचरा कलेक्ट किया जा रहा था, तो कितना दिन तक ऐसा चला? दो तीन महीना। उसके बाद फिर बंद हो गया। बंद हो गया। और तब से लगातार बंद है। क्या वजह हो सकता है, क्यों बंद है, कुछ पता है? नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सरकार जो घर घर कचरा उठाव करने के लिए जो अभियान चलाई थी, ये फ्लॉप साबित हो रहा है हत्था पंचायत में। हाँ। बाकी मतलब किसी भी वार्ड में नहीं चल रहा है, किसी भी वार्ड में। आपका कौन सा वार्ड है? नौ नंबर में बना हुआ है, हत्था टीला बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हत्था टीला है या, और इस शेड भवन के अंदर क्या स्थिति है, आइए हम कैमरा के माध्यम से वो भी आपको दिखाते हैं। अब अंदर की स्थिति आप देख लीजिए कि जंगलों से घिरा हुआ है, और अंदर में जो इसका भवन का रख रखाव है, टूटा फूटा स्थिति बना हुआ है। और इधर आप देख लीजिए कि अलग अलग कचरा को अलग अलग तरीके से प्रबंधन करने के लिए जो शेड का निर्माण किया गया था, जस का तस पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है सो निजी प्रयोग का जो है सो कचरा जो है सो रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि लोग इसमें जो है सो निजी उपयोग के काम भी ज़्यादा कर रहे हैं। इसको देखिए कि तोरी का भूसी है, लोग लगता है कि अपने निजी के काम भी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर जो भवन के अंदर की स्थिति देखिए, ऐसा समझा जा सकता है कि लोग रात के समय में, चूंकि गेट खुला हुआ है, तो लोग रात के समय में गलत प्रयोग भी इस भवन का कर सकते हैं, और सामाजिक तत्व का भी जमावड़ा इस भवन के अंदर हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि गेट देखने से लगता है कि लगातार परमानेंट खुला ही रहता है, दिन हो या रात हो, और ऐसी स्थिति में बाहरी और सामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कचरा प्रबंधन अभियान के तहत जो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कराया गया था, उस प्रोसेसिंग यूनिट की क्या दशा है, और इस प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के नाम पर किस तरीके से योजना राशि का अपव्यय किया गया है, इस बात को समझा जा सकता है। दरअसल आप देख पा रहे हैं कि देखिए कि नीचे फर्श की स्थिति देख लीजिए, इसके अंदर ये देखिए कि खैनी और केला आदि का जो गंदगी है और पत्ता का जो अवशेष है, उस सब को यहाँ पर रखा गया है। एक फॉर्मेलिटी की गई है, और प्रोसेसिंग यूनिट की जो सार्थकता जो है तो ऐसे में समझ में नहीं आ रही है। और इस प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के नाम पर जो राशि निकासी की गई होगी, उस राशि को जो खर्च किया गया होगा, उसकी सार्थकता समझ में नहीं आती। बड़ी बात यह है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट भवन का निर्माण कराया गया था, इसकी गुणवत्ता को आप देख लीजिए कि यहाँ पर दरार पड़ा हुआ है। अभी हाल के वर्षों में इसका निर्माण किया गया है, फर्श में भी दरार आया हुआ है, लिहाजा इसकी गुणवत्ता को भी समझा जा सकता है। अभी बाढ़ का समय हो सकता है, बाढ़ बरसात का समय आना बाकी है, हो सकता है कि आंधी पानी बाढ़ बरसात की शुरुआत हो जाए, और कुछ ही दिनों बाद आपको ये भी समझ में आ जाए कि यह धाराशाही हो गया, इसमें भी बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में
नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक कचरा प्रबंधन अभियान हत्था पंचायत में दम तोड़ता नजर आ रहा है और इसके नाम पर खानापूर्ति के खेल में संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी भी हों, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर धरातल पर इसकी जमीनी स्तर पर उच्च स्तरीय जांच की जाए तो कचरा प्रबंधन अभियान के तहत बनाए गए प्रोसेसिंग यूनिट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों ने जैसा कि हमको बताया भी है कि कचरा प्रबंधन अभियान के तहत भले ही यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना किया गया, प्रोसेसिंग यूनिट बनाए गए हैं, लेकिन इसकी सार्थकता इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि किसी भी वार्ड से अब तक कचरा का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कचरा प्रबंधन अभियान के तहत शुरुआत के कुछ दिनों में जिस समय तत्कालीन वीडियो के द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई थी, तत्काल 2-3 महीने तक तो एक्टिविटी दिखी भी, लेकिन 2-3 महीने के बाद से इसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखा। बाद में चल करके यहाँ पर हत्था पंचायत के टिल्हा पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई, लेकिन इसकी कोई सार्थकता समझ में नहीं आ रही है। यह जो प्रोसेसिंग यूनिट है और इस भवन के आगे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है सो जंगल पड़ा हुआ है और जंगल उगे हुए हैं, उसके आगे जो है सो विभिन्न वार्डों से तत्काल कई महीने पुराने का यह अवशेष दिखता है जो जंगल पड़ा हुआ है और इसकी कोई उपयोगिता समझ में नहीं आ रही है। भवन के बाहरी स्थिति को भी आप देख लीजिए कि किस तरीके का स्थिति है और प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण के नाम पर यह खानापूर्ति और मजाक नहीं है तो और इसको क्या कहा जा सकता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, मुजफ्फरपुर, बिहार।